नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज पूरे देश में मचा हड़कंप। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, भयानक विस्फोट हुआ है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में प्रमुख सरकारी कार्यालयों के पास एक व्यस्तम जंक्शन पर शनिवार को दो कार बम विस्फोट हुआ, जिसमें बच्चों सहित सैकड़ों नागरिक हताहत हुए हैं। बताया जा रहा है कि अब तक कम से कम 30 लोग मौत होने की पुष्टि है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। राष्ट्रीय पुलिस ने यह जानकारी दी है। अस्पताल के एक कर्मचारी ने कम से कम 30ों की पुष्टि और कहा कि संख्या बढ़ भी सकती है। मोगादिशु में यह हमला उस दिन हुआ जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिंसक उग्रवाद, खासकर अलकायदा से जुड़े अल शबाब समूह से निपटने के मकसद से विस्तारित प्रयासों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रही थी। इस स्थान पर 5 वर्ष पूर्व भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गए थे। वहीं शनिवार को हुए हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। राष्ट्रपति हसन शेख महमूद ने हमले को क्रूर और कायरतापूर्ण बताते हुए इसके लिए अल शबाब को दोषी ठहराया। मदीना अस्पताल के एक स्वयंसेवक हसन उस्मान ने कहा, अस्पताल में लाए गए कम से कम 30 मृत लोगों में से अधिकांश महिलाएं हैं और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। एम्बुलेंस सेवा के निदेशक अब्दुल कादिर अदन ने एक ट्वीट में कहा, पहले हमले में घायलों की मदद करने वाली एक एम्बुलेंस दूसरे विस्फोट से नष्ट हो गई। एक प्रत्यक्षदर्शी अब्दुल रजाक हसन ने कहा, जब दूसरा धमाका हुआ तब मैं 100 मीटर दूर था। सैकड़ों लोग मिनटों में घायल हो गए और कई लोगों की मौत हो गई है। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वही दोस्तों, घायलों का इलाज चल रहा है। बहुत ही बुरी खबर और बहुत ही बुरा हादसा दोस्तों यहाँ हुआ है। इमरजेंसी लगा दी गई है और छानबीन शुरू कर दी गई है।